नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और बुलेटिन की शुरुआत आज की एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। जो खबर सबसे पहले हमने दिखाई आपको और हमने ये इस मुद्दे को बार बार उठाया था कि किस तरह से खाने के तेल के दाम बढ़ रहे हैं और आज ये मुद्दा संसद में भी उठा। सवाल पूछा गया कि खाने के तेल के दाम जिस तरह से बढ़ रहे हैं, ऐसे में सरकार कर क्या रही है। इसके जवाब में पीयूष गोयल, जो कि खाद्य और उपभोक्ता मंत्री भी हैं, उन्होंने जवाब ये दिया कि इस पूरे मामले को सचिवों की एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी, जो कि खाद्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई है, ये कमेटी इस पूरे मामले को गंभीरता से देख रही है और ड्यूटी स्ट्रक्चर न सिर्फ खाने के तेल के बल्कि जो बाकी कमोडिटीज़ हैं उस पर भी, उसकी ड्यूटी पर भी इस कमेटी की पूरी नज़र है। और उन्होंने इस बात को माना कि हाँ दाम बढ़े हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में जितनी तेज़ी आई है उतनी तेज़ी घरेलू बाज़ार में नहीं आई है। घरेलू बाज़ार में डिमांड के मुकाबले सप्लाई कम है, उत्पादन कम है और इस वजह से कीमतें बढ़ी हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि सरकार की खाने के तेल की बढ़ती कीमतों पर पैनी नज़र है और इस पूरे मामले को इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी, जो कि खाद्य सचिव की अध्यक्षता में बनाई गई है, इसमें अलग अलग मंत्रालयों के सचिव हैं। आपको बता दें इसमें एग्रीकल्चर सेक्रेटरी शामिल हैं, इसमें कॉमर्स मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी हैं वो शामिल हैं और DGFT के अधिकारी शामिल हैं। तो ये कमेटी बनाई गई है जो इस पूरे मामले पर नज़र बनाए हुए है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि आज आपके लिए कमाई के मौके बनेंगे कहाँ, क्योंकि क्रूड में बड़ी हलचल आ गई है, बड़ी गिरावट आ गई है। हमारे साथ जिगर धर्मसिंह हैं इस पर बातचीत करने के लिए। जिगर, कच्चे तेल से शुरुआत करेंगे, क्या क्रूड में आज के लिए बेच कर चलना ही अच्छा रहेगा, शॉर्ट करना चाहिए क्या? जी हाँ, बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि क्रूड में काफ़ी अच्छी गिरावट आती हुई दिखी है। लास्ट वीक भी हमारी जैसे बात हुई थी कि यूरो जोन में जो कोविड के जो कंसर्न्स लेते हुए दोबारा से जो लॉकडाउन्स के रिस्ट्रिक्शंस बढ़ रहे हैं, तो उस वजह से एक सेंटिमेंट्स दोबारा से अराइज हो रहा है कि कहीं ना कहीं डिमांड पे इसका इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, एविएशन इंडस्ट्री पे भी पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं डिमांड पे दोबारा मार पड़ सकती है और उस वजह से प्राइसेस में एक करेक्शन आता हुआ दिखा है। आज हम देख रहे हैं कि तकरीबन 150 रुपये प्राइसेस गिर चुके हैं M6 में। मुझे लगता है कि ये काफी निचला स्तर है, एक शॉर्ट कवरिंग जरूर आती हुई दिख सकती है, तो ऊपरी स्तरों पे दोबारा से बिकवाली करके चल सकते हैं। ओवरऑल व्यू सेल ऑन राइस का रहेगा क्रूड में, तो 4400 का जो लेवल्स है वो मच बेटर रहेगा सेलिंग के लिए और 4450 का स्टॉप लॉस लगाना होगा। 4280 से 4250 के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं क्रूड में, तो ऊपरी स्तरों पे बिकवाली करना सही रहेगा। और गोल्ड में क्या करना चाहिए आज के लिए? जी, गोल्ड में मुझे लग रहा है कि एक ओवरऑल एक रेंज बाउंड मोमेंटम है। हम देख रहे हैं कि गोल्ड में काफी सुस्त मोमेंटम है, हालांकि वेरी इमीडिएट मोमेंटम हमने देखा है अपसाइड का जरूर से आया है, बट गोल्ड के प्राइसेस 45,100-45,150 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पा रहे हैं और निचले स्तरों पे 44,700-750 का काफी अच्छा सपोर्ट है। तो मुझे लगता है कि ये रेंज मोमेंटम अभी भी कंटिन्यू रहेगा, बट ओवरऑल जो मोमेंटम रहेगा वो साइडवेज टू पॉजिटिव का रहेगा। तो जो भी करेक्शन आएगी गोल्ड में, एक निचले स्तरों पे खरीदारी करके चलना चाहिए। एनीवेयर अराउंड 44,820 से 44,770 एक अच्छा लेवल रहेगा निचले स्तरों पे खरीदारी के लिए। 44,620 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 45,050 से 45,150 के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं गोल्ड में। ओके, नेचुरल गैस में आपको लगता है कि आज के लिए बाइंग का अच्छा मौका है, खरीदना चाहिए? जी हाँ, मुझे लगता है कि नेचुरल गैस में बिल्कुल सी एक इंट्राडे मोमेंटम अपसाइड का आता हुआ दिख सकता है। हम पिछले काफी दिनों से देख रहे एक साइडवेज नेगेटिव मोमेंटम था, बट कहीं ना कहीं प्राइसेस 180 के ऊपर काफी अच्छे सस्टेन हो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक छोटा सा रिबाउंड जरूर दिख सकता है, बट प्योरली ये इंट्राडे के लिए रहेगा। तो 182 के लेवल्स आते हैं तो वो एक बेटर लेवल रहेगा नेचुरल गैस में खरीदारी करने के लिए। 178 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और 190 के टारगेट्स के लिए बाय करके चल सकते हैं। ओके, तो ये राय आपकी नेचुरल गैस के ऊपर। कॉपर में आपको लगता है कि जो लेवल अब मार्केट में आ चुका है, ये लेवल बाइंग के लिए ठीक लेवल है, खरीदना चाहिए कॉपर को इस भाव पर? जी हाँ, मुझे लगता है कि अगर मोमेंटम बेसिस के लिए ट्रेड कर सकते हैं कॉपर में करंट लेवल पे, बिल्कुल 669 के करीब का लेवल से अच्छा लेवल रहेगा बाइंग के लिए। 666 का स्टॉप लॉस लगाना होगा, 677 के टारगेट्स आते हुए दोबारा से दिख सकते हैं, बट कॉपर पिछले कुछ दिनों में 8 से 10 रुपये की रेंज में ही ट्रेड कर रहा है, काफी वॉलेटाइल मूव है, इसलिए स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगा के खरीदारी करना सही रहेगा। ओके, ठीक है। और निकल में आज के लिए बाय या सेल?
निकल में खरीदारी करनी चाहिए। काफी अगर हम देखें तो काफी दिनों बाद निकल में थोड़ा अपसाइड का मोमेंटम दोबारा से आता हुआ दिख रहा है। मुझे लगता है कि ये मोमेंटम इवनिंग सेशन में और मच बेटर दिख सकता है और ज्यादा से ज्यादा अपसाइड हम 1200 से 1205 तक के भी लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि निकल में करंट लेवल से 1185 का जो जोन है वहां पर खरीदारी करके चलना चाहिए। 1172 का स्टॉप लॉस लगाना होगा और जैसे मैंने बताया 1200 से 1205 तक के टारगेट्स आते हुए दिख सकते हैं निकल में। ओके, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए कमोडिटी में कहां पर कमाई के मौके बनेंगे।